बहुत एक्साइटेड है. इट्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग. हम बड़े हुए हैं लायन किंग देख के, उसके सारे वर्जन्स फ्रॉम कार्टून टू रीडिंग द बुक टू वॉचिंग द फिल्म. हमने लंदन में लायन किंग का प्ले भी देखा था. सो ऑब्वियसली वी आर एक्साइटेड. जब जब नया वर्जन होगा तब तब हम आएंगे. Yeah, equally excited actually. As Sanaya said, we have seen a play also in London, which was the Lion King play. So I'm really excited to see the film now. I don't have a favorite. I know he's a Simba. But I don't have a favorite. I know iska Simba hai. As in puri film hum ek saath dekhna chahte hain. Usme sare characters bahut acche hain. And if I have to pick one character, then maybe I'll pick Simba. But otherwise, as a whole film. जी. अभी हमें actually I think we just हम realized English version देखने जा रहे हैं, तो हमें शायद शाहरुख या आर्यन की आवाज सुनाई नहीं देगी इस फिल्म में. But I'm sure it must be super exciting. हमने आज तक शाहरुख को पर्दे पे देखा है, like. Face and voice, and now we are seeing an animated version of that. So, great. हम नचबलिए as contestants नहीं कर रहे हैं, because नहीं खबर पता नहीं किसने खबर दे दी है. Lot of people are wishing us all the best and you know congratulations. So I just want to clear this whole thing that we are not play doing नचबलिए as contestant. We just hosted. Two episodes pre Nachbaliye and we just performed an opening act. Yes. हमें सलमान सर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला. हमने अपना परफॉर्मेंस किया एंड वी वेंट बैक होम. लेकिन आई एम श्योर इट्स सुपर एक्साइटिंग बिकॉज सलमान बीइंग सलमान ही इज ऑसम व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग जजिंग बी एनीथिंग. ही इज सो गुड विद इट. सो या थैंक यू. बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने एनिमेशन इसका देखा है जो एनिमेटेड फिल्म है द लायन किंग, और अब ये एक यूनिक तरीके का एनिमेशन होने जा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ दैट आई एम द वॉइस फॉर द वोकल्स फॉर नाला इन द फिल्म. सिम्बा ऑफ कोर्स. सिम्बा इज माय फेवरेट कैरेक्टर एंड मुफासा एंड स्कार. स्कार इज माय फेवरेट. यस. मेरा पहला प्यार ही एनिमेटेड फिल्म्स है और ये जो एक यूनिक तरीके का एनिमेशन हुआ है इस फिल्म में, आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट. बहुत मेहनत लगती है. नॉर्मल फिल्मों से भी ज़्यादा मेहनत एनिमेशन फिल्मों में लगती है. सो प्लीज़ देखिए. मैंने इसमें दी है आवाज़ नाला के लिए, और जो नाला ने गाने गाए हैं सिम्बा की जो गर्लफ्रेंड है नाला, तो आई एम द वॉइस फॉर नाला. यस थैंक यू. ओके थैंक यू. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Don't worry, be happy. But I'm very, very happy and honored to be a part of a great classic like this, The Lion King. And it's definitely a huge honor. अब मैं रुका हूँ, लोगों की रिएक्शन क्या होगी. मैंने ऐसे डबिंग पहली बार मैंने ऐसी कोशिश की है. सो आई जस्ट होप ये पीपल लाइक वॉट वी डन. It's I guess you know life comes full circle, jaise kehte hain. There was a film that I did with Shah, and now I'm playing his son's friend in a way in the film. So it's been an amazing experience. Though hamari mulaqat nahi ho saki, but you know somewhere we getting connected again in another film and a classic like The Lion King is a great news for all of us. Thank you guys. Thank you so much. Kahan se jana hai upar? अरे भाई मेरी बीवी कहाँ है.
आइए। हाय जी, क्या हालचाल? हाय यार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत अच्छी फिल्म है। प्लस मुफासा, सिम्बा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम लोगों के लिए यार, हमारे देश के लिए इंटरेस्टिंग है। आर्यन, शाहरुख खान, आर्यन खान, सो आई थिंक यस, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सॉरी, सिम्बा as always mufasa hai, but simba, yeah, simba, he's like, look at him. Oh, haan ji, main wo bhi, I'm really excited to see that as well. Today we're watching the English version, but I think I'm more excited to see the Hindi version also of Shahrukh and Aryan. So hey, ek memory hai, main Dubai mein rehta tha, in Dubai mein, Dubai shopping festival mein aksar you go and play games to win toys. तो एक पर्टिकुलर स्टैंड होता था जिसमें यू हैव टू पुट अ रिंग इन अ बॉटल एंड यू गेट अ सिम्बा। तो मैंने अपने माँ बाप के बहुत पैसे खर्च करवाए थे सिम्बा जीतने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर वो छोटा वाला सिम्बा का जो टॉय है, सिम्बे का टॉय, वो सिम्बा वाला जो टॉय वो मेरे पास आज भी है। सो यार, दैट्स द लिटिल मेमोरी दैट आई हैव ऑफ लायन किंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाँ, why do you always come up? I think hum log hey, we always come together for these kind of screenings, seriously. Yeah, yes, all these screenings, but yes, wo barish ki baat ho rahi thi, so I think this hamari baat nahi ho sakti kyunki barish ki baat ho rahi hai yaar, teri baat barish to barish mein hum dono ek saath nahi, meri jaan, barish ki baat ho rahi, pehle barish ki baat karenge apan. Okay, let you finish with him. I will see you guys haan ji, sorry, I was saying Yes. यार मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आई एंड आई थिंक शी इज आउटस्टैंडिंग, वो जो भी काम करे, प्लस उसने इनफैक्ट इसमें बहुत अच्छा काम किया है। सो एंड फॉर एवरीबडी हुज नॉट वॉच द सीरीज, प्लीज गो आउट देयर एंड वॉच इट, बारिश इज आउटस्टैंडिंग एंड इट्स अमेजिंग। सो यस, थैंक यू। हाँ जी, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और जंगल बुक और लायन किंग हर किसी के चाइल्डहुड पे एक बहुत बड़ा ठप्पा रहता है इसका, और ख़ास करके जब शाहरुख सर का और उनके बेटे का जो मैंने जब वो देखा, जब उनकी आवाज़ के साथ जब टीज़र आया था, आई थिंक दैट ब्लू माई माइंड एब्सोल्युटली, क्योंकि एकदम वो शाहरुख सर 90s वाले वापस आ गए थे through his son's voice, and bahut nostalgic tha, so I think I tweeted about it also. Shahrukh sir ko to hum log follow karte hi aa rahe hain, bahut excitement hai unki bete ki awaaz ko sunne ke liye, bahut zyada. I think animated films ka apna alag charm hota hai, usme restrictions nahi hoti actors ki, jitni aapki imagination jaati hai aap utna shoot kar sakte ho, और जिस हिसाब से आपको स्टोरी बोर्ड करनी है, सो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। हाँ, वही तो मैं अभी बोल रहा था कि उनके बेटे की आवाज़ जब मैंने सुनी पहली बार जब इसके ट्रेलर में, तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने 5 बार वो फिर से रिपीट करके हेडफोन लगा के सुनी, इतनी ज़्यादा सिमिलर और इतनी अच्छी क्वालिटी। तो 90s के जो शाहरुख सर की जो आवाज़ होती थी जब फिल्मों में, वो बड़े पर्दे पे जब हम लोग बड़े स्पीकर्स को सुनते थे, तो वो सेम आवाज़ की क्वालिटी है। और मैंने कहीं पढ़ा कि शाहरुख सर को दोबारा से डब करना पड़ा क्योंकि बहुत सिमिलर साउंड कर रहा था, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड
listen to it again. यार ट्रेलर काफ़ी लार्जर देन लाइफ है और मैं अब तक जितना भी होता था जितने कार्टून्स देखते थे बट दिस फिल्म इज लार्जर देन लाइफ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सिम्बा या मुझे काफ़ी पसंद आया है वो ट्रेलर में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी क्यूट है. एनिमेटेड फिल्म्स आई एम मोर इनटू एनिमेटेड फिल्म्स ओनली लाइक लास्ट मैंने अलादीन देखी थी दो उसमें इतनी एनिमेशन नहीं थी बट देवर लॉट ऑफ एंड वीएफएक्स था तो आई लव टू वॉच एनिमेटेड फिल्म्स आल्सो एंड एनिमेटेड कार्टून्स आल्सो. या आई एम डूइंग अ कॉमेडी फिल्म सो इट विल बी आउट वेरी सून. या थैंक यू. ये फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मेरी कहानी है बेसिकली. हाँ ये मेरी नाला है और मैं सिम्बा हूँ. मेरे पिताजी जो मुफासा घर पे बैठे हुए हैं उन्होंने हमें एक्चुअली पहली बार लायन किंग दिखाई थी जब हम इतने से थे तो तब से लेके बचपन से लेके आज तक हम लायन किंग के बहुत बड़े फ़ैन. खाली मैं नहीं आई थिंक पूरी दुनिया जो है वो लायन किंग की फ़ैन है बिकॉज वो इतनी टिपिकल एक बॉलीवुड फिल्म की कहानी है ना कि दो भाई एक नकारा एक द किंग और वो कैसे अपने भाई को गद्दी से हटाता है और कैसे उसका बेटा जो है गद्दी लेने के लिए पूरा लड़ता है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी इट कनेक्ट्स टू अस रियली अमेजिंगली इट कनेक्ट्स टू इंडियंस वेरी मच यू नो मोर देन एनीथिंग एल्स. सेम हम तो बचपन से देखते हैं लायन किंग. सो जब भी एक नई पिक्चर आती है इन द होल सीरीज We get really excited because एक जो हॉलीवुड एनिमेशन है बहुत अच्छी तरह वो बनाए जाते हैं और स्टोरी बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं. सो यू कैंट मिस अ हॉलीवुड एनिमेशन. यू नो मुझे अभी भी याद है जब मैं घर से भटकता हुआ कहीं जा रहा था कैसे सिम्बा को नाला मिली. मुझे भी एग्जैक्टली ऐसे ही मेरी नाला मिली. देखिए वी आर एक्साइटेड टू सी लायन किंग एंड व्हेन यू नो दैट वी आर एक्साइटेड टू सी द मूवी एंड लेट्स सी हाउ इट साउंड्स बिकॉज लोग ज़्यादातर एटलीस्ट हम जो कि लायन किंग के इतने बड़े फैन हैं वी एक्साइटेड टू सी द मूवी एंड दैट टू द एनिमेटेड वर्जन लाइक द रियल लाइफ एनिमेशन कैसे होती है उस वर्जन को देखने के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड. मेरी बात हुई एक फ्रेंड से वो कह रहा है कि मैं फिनाले जीतूंगा तो मैं वो इंटरव्यू नहीं कर सकता. हाँ ये हाय हाय कैसे बताया वो नाम बट आई विशिंग एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट ऑल आवर फ्रेंड्स रियली डू डू वेल ब्रेक अ लेग बहुत मज़ा आता है. आई एक्चुअली ब्रोक माय लेग इन नचबलिया लिटरली मतलब मेरी सर्जरी हुई उसके बाद. डोंट ब्रेक दैट लेग एंड सलमान को ये कहना चाहूँगा कि हैप्पी होस्टिंग. आई थिंक इज बिकमिंग रियली अ प्रोफेशनल इन होस्टिंग सो विश हिम ऑल द बेस्ट. इज ही होस्टिंग? या Is not, no, so he's the first episode. Oh. Yeah. All right, thank you so much. Bye, everybody.